नमस्कार दोस्तों, आज है 7th of December 2022। थोड़ी देर पहले ही आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिजल्ट्स आ चुका है। आइए देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी अभी है 18,578, लेफ्ट वाला डेली है, राइट वाला आवरली है। डेली का आप अगर आरएसआई देखोगे तो ये आ चुका है आपका 60 के पास फ्रॉम द एबोव। राइट वाला अभी हम थोड़ा सा इसको वीकली बना देते हैं। वीकली बनाने से ये आया 60 है एंड मंथली वाला में भी अबोव 60 है। दैट मीन द केस ऑल टाइम फ्रेम अबोव 60 एंड डेली वाला जो है वो आपका अप्रोचिंग 60। अभी आते हैं आवरली पे। आवरली पे हमने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डाल चुके हैं। प्राइस एक बार ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है देन वी कैन लुक फॉर सम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। आवरली आरएसआई 40 पे है, दैट मीन द केस आवरली 40, डेली 60, और इसको अगर हम और एक लाते हैं वीकली पे, वीकली वीकली भी आपका अबोव 60। दैट मीन द केस यहां पे हमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो इसको ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये प्राइस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, इस सिस्टम के हिसाब से लॉन्ग नहीं बन रहा है, हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो डेली में अगर हम देखेंगे तो इट इज अप्रोचिंग द सेंटर बैंड, सेंटर बैंड के आसपास आ रहा है। तो सेंटर बैंड में आने के बाद अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप आ जाएगा। So this is the approach I am having as of now. अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी डेली अप्रोचिंग 60 फ्रॉम एबोव। इधर का पहले वीकली एक बार देख लेते हैं। वीकली आरएसआई टर्म्स में भी आपका एबोव 60 है एंड मंथली में भी आप अगर देखोगे एबोव 60 है। That being the case, यहां पर भी हमें ऑब्जर्व करना है आवरली जो है ये अप्रोचिंग 40, आवरली एट 40, डेली अबव 60, अप्रोचिंग 60 फ्रॉम अबव, वीकली एंड मंथली अबव 60। सो यहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का हमें ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। रेदर यहाँ पे आपको एक बॉक्स टाइप का मिल रहा है on daily some sort of this, ये एक box है, rectangular box जिसके बाहर निकलने का हमें इंतजार है। यहां पे हम एक काम ये कर सकते हैं, बॉक्स के नीचे आके कुछ bullish candle बनाता है तो हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। पहला मंथली, वीकली, डेली अबव 60, आवरली अप्रोचिंग 40। सो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढने के बाद यहाँ पे लॉन्ग के लिए कुछ बहाना ढूंढना है। कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा 15 मिनट में भी जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन को ले सकते हैं, डाइवर्जेंस को ले सकते हैं, या हायर हाई हायर लो को ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। दैट मे बी आवर माय अप्रोच अंडर दिस सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60 एंड आवरली टेकिंग रीचिंग 40, अभी तक टेकिंग सपोर्टेड 40 नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इंतजार करना है, वेट फॉर ट्रेड टू टेक प्लेस,
उससे लिए उसके लिए हमें इंतजार करना है, प्राइस एक्शंस को ऑब्जर्व करना है एंड फिर लॉन्ग साइड से ही हम इसमें खेलने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट साइड से नहीं खेलेंगे बिकॉज आरएसआई ऑन हायर टाइम फ्रेम्स आर नॉट सपोर्टिंग। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल का वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी के लिए मुझे क्या करना है, आइदर एक बॉटम ढूंढना है या एक टॉप ढूंढना है या दोनों ढूंढना है। व्हाट आई वांट टू मीन बाय दैट, सपोज आपका ये हो गया बैंक निफ्टी का आवर्ली। अभी हमें देखना है कि कल का एक्सपायरी कौन सा लेवल के नीचे नहीं होना है या कौन सा लेवल के ऊपर नहीं जाना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि सपोज या इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर जाके हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि इसके नीचे एक्सपायरी नहीं देना चाहिए, तो इसके नीचे का पुट को आप शॉर्ट कर सकते हैं टिल एक्सपायरी एंड एंजॉय द प्रीमियम। अभी मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये कि यहाँ पे इसके नीचे उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए या इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये कैसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट का बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शंस देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अभी तक मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसके ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। एज ऑफ नाउ मेरे को लग रहा है ये जो बॉटम है, रेक्टेंगल का बॉटम है पहला 42,950 या टू बी सेफर सेट 42,900, इसके नीचे ये जाना नहीं चाहिए। तो मैं अभी इसको इमीडिएटली पुट को शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि हाउ इट इज बिहेविंग, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है या नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। अगर मिलता है तो मैं आज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द डे कुछ पुट शॉर्ट करके जाऊंगा, या अगर मेरे को लगता है कि इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए तो मैं कुछ कॉल को शॉर्ट करके जाऊंगा एंड हेजिंग करके जाऊंगा, ताकि अगर अगेंस्ट में जाए ओवरनाइट ओपनिंग में तो मेरा जो लॉसेस है ज्यादा ना हो, अंडर कंट्रोल हो। ये एक हो गया है अगर मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो मैं कल मॉर्निंग ओपन के लिए इंतजार करूंगा। जैसे ही कल मॉर्निंग मेरा एक रेंज मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद मैं कॉल पुट को शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। इधर कॉल को करूंगा, नहीं तो पुट को करूंगा, और नहीं तो दोनों को करूंगा। अभी आते हैं निफ्टी। अभी निफ्टी में मेरे को क्या अप्रोच करना है कि मेरे को अभी देखना है कि कौन सा लेवल के नीचे ये जाना नहीं चाहिए कल का एक्सपायरी। सपोज कुछ रीजंस के लिए आपको लगता है कि इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए, से 18,550 कल का एक्सपायरी, तो आप क्या कर सकते हो। पहले कॉन्फर्मेशन लेना है कि इसके नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे आपका कॉन्फर्मेशन डिफरेंट वे पे हो सकता है, आपका ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते हो, कुछ इंडिकेटर को कंसीडर करके कर सकते हो, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेके कर सकते हो। ये जो कर सकते हो वाला बात है वो आपका प्रैक्टिस का बात है। ये जो आपको प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्टीज डेवलप करना, एक बार अगर जब आपका एक एक्सपर्टीज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि 80% या 70% आपका एजम्पशन जो है वो सही जाता है, इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए या इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, तो क्या करना है आपको उस हिसाब से कॉल या पुट को शॉर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, और एक बार मेरे को एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन मिल जाता है, उसके बाद मैं सेकंड हाफ में कुछ राइट करके जाऊंगा ऑप्शंस को, आइदर कॉल या पुट विथ ए हेज, ताकि ओवरनाइट में अगर मेरी अगेंस्ट में जाए तो मेरा जो लॉस होगा ज्यादा ना हो, इट इज प्रोटेक्टेड। उसके बाद अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कल थर्सडे मॉर्निंग में 9:15 के ओपनिंग के बाद फिर मैं इंतजार करूंगा कि कहां पे मैं पोजीशन ले सकता हूं।
और एक जो है आपका ओपन इंटरेस्ट, ये है निफ्टी 8 दिसंबर का एक्सपायरी का, यानी कल के एक्सपायरी का। अभी आप देखो बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, करंटली 18,600 के आसपास का कॉल पुट का राइटिंग है, एक करंट प्राइसिंग है। आप देखोगे यहाँ पे 18,650, 18,700, 18,750, 18,800, 600, 700 एंड 800 एंड सबसे ज्यादा 19,000 में ज्यादा बिल्डअप है। सो एक रफ एस्टिमेट ये है कि 700 कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हो। एंड इधर आप नीचे की तरफ देखोगे 500 में पुट का ज्यादा बिल्डअप है एंड सब्सिक्वेंटली, तो आप क्या कर सकते हो रफली अभी 400 या 450 का पुट को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बिल्डअप है 500। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा कुशन 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का कुशन ले रहा हूँ। कुशन लेके 450 का आप छोटा मोटा बिल्डअप कर सकते हो शॉर्ट्स, एंड ऊपर में आइदर 700, 750 या 800 सब्जेक्ट टू द प्रीमियम आप शॉर्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ 700 एंड 450 इसके बीच में, 700 एंड 450 और 750 एंड 450 के बीच में ही कल का एक्सपायरी का एंटिसिपेशन है। 450 बोले तो आपका ये वाला लेवल 450 का, और 750 का बोले तो आपका ये वाला लेवल। सो एज पर द ओपन इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो कि कल का फ्राइडे का जो क्लोजिंग है इस रेंज के अंदर में होना चाहिए। अभी ये रेंज थोड़ा काफी बड़ा है, 300 पॉइंट का रेंज है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्फर्मेशन बढ़ता रहेगा, आप इस रेंज को नैरो डाउन करते रहोगे एंड आपका जो पोजिशन है और भी नीचे उसका नैरो करते रहोगे, सब्जेक्ट टू योर कॉन्फर्मेशन, सब्जेक्ट टू योर कॉन्फिडेंस लेवल्स। सिमिलरली हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का, अब बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चार्ट अगर देखोगे तो ये 43,100 का अभी करंट बिल्डअप है। तो आप ऊपर में देखोगे 200 का जो है 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल में है, देन आपका 43,300 का बिल्डअप में है, देन 43,500 का बिल्डअप में है। बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है तो ज्यादा नजदीक नहीं रखना है। एज ऑफ नाउ आप 43,300 या 43,500 का ऊपर साइड में आप एक रेंज ले सकते हो। नीचे का जो है ये 43,000 में कॉल पुट का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 48 लैक्स एंड 55 लैक्स का, कॉल का 48 लैक्स है एंड पुट का 55 लैक्स है। उसके बाद नीचे की तरफ ज्यादा बिल्डअप नहीं है पुट में। व्हाट इट मींस, यानी एज पर द ओपन इंटरेस्ट नीचे में पुट राइटर्स ज्यादा नहीं है एक्सेप्ट 43,000। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज और कल में आपका जो प्राइसिंग है थोड़ा सा डाउनवर्ड हो सकता है एज पर द ओपन इंटरेस्ट। पुट राइटर्स नीचे के लेवल में कम है एंड कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल में बहुत ज्यादा है। सो रफली 43,300 ऑन द हायर साइड हम ले सकते हैं, 43,300 बोले तो आपका 43,300 का बोले तो आपका यहाँ पे आ सकता है ऊपर का रेंज। एंड नीचे का रेंज अभी मेरे को क्लियर नहीं है, अदर देन 43,000 कुछ बिल्डअप नहीं मिल रहा है, सो आई नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो ऐसा है तो आप 43,300 के ऊपर का कॉल को राइट कर सकते हो विथ ए प्रॉपर हेजिंग फॉर कल का एक्सपायरी। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। तो कल फिर दोबारा मैं इसी ऑब्जर्वेशन का एक्सटेंशन कंटिन्यूएशन लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।